अगले साल से उसकी छोटी बहन है, उसका भी एडमिशन होगा तो वो भी साथ में आएगी, तो घूमते घूमते ना चंट हो जाएगी बहुत। भैया जब तक ना गाड़ी पे चलो तब तक तो बड़ी अच्छा लग रहा है, जैसे ही पैदल चलने लग रहा है ना। अब इधर से हम लोग निकल जाएंगे, हमारा गांव आगे है बिल्कुल, यहां से देखो व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को, और आप सब से उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अंकित सिंह और मैं अभी गांव में आ रखा हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं चाय पी रहा हूँ, और सुबह का समय हो रहा है 7:30, और मौसम कुछ ऐसा है भाई कि सुबह से ही यहाँ पे गर्मी होने लग रही है। देख रहे हैं मेरे इधर से मिट्टी निकल जा रहा है, मम्मी इसीलिए कल बोल रही थी इसको नहीं निकालेंगे, इसलिए आगे पूरा घास लगा हुआ है, देखिए पूरा चारों तरफ यहाँ से क्या हो रहा है, मिट्टी निकल जा रही है। तो अभी देखो हमारा घर ऐसे ही पड़ा है, अंदर है हालांकि, लेकिन ये पूरा मतलब ना सब ऐसे पड़ा हुआ है भाई 2 साल से। क्या करें भाई, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है भैया, क्या करें। जब पैसे आएगा तब होगा भाई, छोटा मोटा तो है नहीं कि भाई तुरंत लग जाए, तो भाई नहीं लग पाता है, क्या करें। कुछ ऐसा इशू आ गया मेरे भाभी का डेथ होने के बाद, बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत प्रॉब्लम आ गया, तो इसके वजह से भाई 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए शायद इस घर को बने हुए, फिर भी अभी नहीं लग पा रहा है। अभी उसका पूरा कंप्लीट होने में कम से कम 10-12 लाख रुपये लगेंगे, तो सारी चीज़ें हमको देखना पड़ता है यार, क्या क्या देखूँ मैं। तो इसलिए अभी रुक के रखा हूँ, अभी देखेंगे जैसा होगा समय के हिसाब से देखेंगे। तो भाई लोग अभी हम थोड़ी देर में फ्रेश होकूँगा और जाऊँगा मैं अपने भतीजे के स्कूल में, एक्चुअली वो जाता है यहाँ से तकरीबन 7 या 7 किलोमीटर के समथिंग जाता है वो पढ़ने, तो उसको जाऊँगा ज़रा उसके स्कूल में, देखूँगा क्या कुछ हो रहा है, कैसी पढ़ाई उसकी चल रही है। अभी देखो मम्मी अभी लेके आई तोस भाई। ये जो तोस रहता है ना रस्क, इसको हम खाते हैं चाय में डाल के। और देखो गांव का कुछ माहौल ऐसा है, हालांकि हम बाहर रहते हैं, बिल्कुल गांव से बाहर है ये, और गांव बिल्कुल अंदर है, और हम लोग रहते हैं इधर बाहर थोड़ा, तो ऐसा है कुछ भाई। पैतवा पैपवा तो फाट गए मम्मी, कितना गाय ले पैपवा? 1400 गाय ले। तो भाई घास इसलिए निकाला नहीं जा रहा था कि ये मिट्टी ना निकल के चली जा रही है, अब जब बनेगा ना तो इसको अंदर से पूरा मतलब सही करवा देंगे, जब तक नहीं बना है तब तक कुछ भी क्लियर नहीं है, जब सब सही होगा तो फिर इसको पूरा अच्छे से क्लियर कराएंगे, ताकि मतलब सब अभी ऐसे ही पड़ा है, अभी क्या ही कराएं, जब होगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये अंदर से पूरी बाउंड्रीज हैं, अभी उसका भी बाउंड्री पूरा क्लियर करना बाकी रह गया, आगे से सारा बाउंड्री हुआ है, बट ये पूरा आगे गेट रहे, ये गेट का मतलब सेप दिया गया है, लेकिन अब जब बनेगा तब ये बाउंड्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और अंदर से भी पूरा मतलब अच्छा हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा। तो भाई अभी नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, और देखो छोटी अब नहा रही है, स्कूल जल्दी जाती नहीं है भाई, उसका भी अगले साल से ना एडमिशन कराएंगे उपेंद्र के साथ, मेरा जो भतीजा पढ़ने जाता है स्कूल से बस से उसी के साथ कराएंगे, ताकि ये भी डर के जाए, नहीं तो जानते हो ये जाती नहीं भाई। और मैं चाहता हूँ यार कि सब बच्चे पढ़ाई करें अच्छे से, ताकि इनका भविष्य भी अच्छा हो। चलो चलो भाई लोग, अभी हमें हो गया रेडी, और अभी जाने को मैं तैयार हूँ भाई। भाई धीरे 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 काफ़ी मेरे को लेट हो गया भाई, बाहरी गाड़ी खड़ी कर दिया था, ताकि मेरी बहन को छोड़ के इधर ही जाना ही था, तो इसलिए अभी चलो चलते हैं, और हमारे साथ बनिए और देखिए, मज़ा लीजिए, एंजॉय आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं, ज़रा सा मेरे को पैसे कुछ अंदर निकालना है, उसके बाद चलता हूँ डायरेक्ट स्कूल में ही आपसे मिलता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ होता है। तो भाई लोग अभी हम आ गए हैं अपने उपेंद्र के स्कूल में, बाबा के पब्लिक स्कूल में, तो यहाँ पर अभी हम जाते हैं, ज़रा फ्यू जमा करते हैं, देखते हैं भाई अंदर परमिशन तो लेंगे, उसके बाद ही वीडियो शूट करेंगे, पहले चलते हैं। यही है भाई स्कूल, जो कि ये पड़ता है हमारे से 6 किलोमीटर के समथिंग दूरी पे, तो यहाँ पे पड़ता है उपेंद्र बाबा के पब्लिक स्कूल। तो चलो चलते हैं भाई, जमा करते हैं फीस वीस, देखते हैं अंदर परमिशन होगा तो शूट भी करेंगे।
तो चलो भाई लोग, अभी हम फीस सेट कर दिए और परमिशन नहीं है भाई, बिना परमिशन का मज़ा नहीं आएगा। जब तक परमिशन ना हो मैं ऐसे शूट कर लूँ अंदर तो अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी यही है भाई स्कूल, उपेंद्र का यहीं पे आता है बस से पढ़ने के लिए। देख सकते हैं आप स्कूल बस जो कि इस साइड में लगी हुई है। तो अभी एक साल से यहीं पे पढ़ रहा है, अगले साल से उसकी छोटी बहन है उसका भी एडमिशन होगा तो वो भी साथ में आएगी। मैं तो घूमते घूमते ना चंट हो जाएगी बहुत घर पे, तो उसको भी अगले साल से एडमिशन करा देंगे ताकि वो भी साथ में आए और वो भी अच्छे से शिक्षा पाए, है ना। तो उसको भी कराना ज़रूरी है, छोटी है तो घूमती है भाई इधर उधर और चंट हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो चलो यार अब चलते हैं, ज़रा हमको मोहम्मदी में काम है, ज़रा मोहम्मदी में एक हमारा जो इंजन रहता है पानी देने वाला उसका सेक्शन लेके आना है। भैया जब तक ना गाड़ी पे चलो तब तक तो बड़ी अच्छा लग रहा है, जैसे ही पैदल चलने लग रहा है ना गर्मी चाँप दे रही है। तो ये क्रॉस करते हैं भाई, यहाँ पे ज़रा हम पीते हैं चाय और भी गर्मी में गर्मी बनाते हैं भाई, क्या करें। इधर आओ बैठा, जय क्या है दादा, हाँ जन्माष्टमी आ रहे। तो भाई जय कृष्ण भगवान का झूला बनाया गया है भाई इसमें झूलाने के लिए, देखो जन्माष्टमी आ गई है ना, तो यहाँ पे देखो फर्नीचर का काम होता है भाई। तो देखो भैया चचा कैसे आरी चला ही रहे हैं, देख रहे हो कितना अच्छों से चला ही रहे हैं आरी, कितना इसमें धार होगा कि देखो कितना आराम से काट रहे हैं। यहाँ मशीन से काटो जाते हैं, यहाँ देखो आरी से काट दे रहे हैं चचा। अब जो ही देखो भैया लगा रहे हैं इन्हें ये भैया शान लगा रहे हैं, चाय वही पी लिए अब यहाँ से हम निकलेंगे। भैया ये मेन ये चौराहा है भैया हमारे मोहम्मदी का मेन चौराहा ये वाला। चलो भाई हम यहाँ से अब पहले हम अपना सेक्शन ढूंढते हैं भाई, क्योंकि तो भाई ढूंढते ही रह जाएंगे तो आज शायद दुकान ना बंद हो, दुकान खुला रहे भाई, आया हुआ हमारा जो है कि सफल हो जाए, नहीं तो फिर हमको वापस से आना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो देखता हूँ भाई एक दो दुकान और देखते हैं क्या होता है, सेक्शन मिलता है कि नहीं। तो भैया ज़रा यहाँ पर पूछ लेते हैं यहाँ पर है कि नहीं सर। भैया सेक्शन है क्या, सेक्शन इंजन नहीं है तो भाई आज हो गए हम परेशान भाई, मोहम्मदी में हमें मिल ही नहीं रहा है। भैया सेक्शन है क्या, सेक्शन ये कहाँ मिलेगा भैया, आगे मिलेगा। तो भाई यहाँ पे भी नहीं है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना भाई, गर्मी ज़्यादा हमसे सहन नहीं हो रही है, गर्मी घर पे होते तो आराम से सोते। भैया आ गए तो हमने सोचा उनको ज़रा दवा लेना था, वो आ गए तो हम सोचा चलो यार उनको भी दवा भी ले लेंगे और हमारा सेक्शन भी आ जाएगा, नहीं दोबारा से हमको आना पड़ेगा भाई। तो भाई ये हमको ढूंढते ढूंढते अभी मिला है, तो अभी हम इसको लेते हैं भाई और चलते हैं भाई। गर्मी में ना देखते देखते हमारी दिमाग ख़राब हो गया, मुझे लगा कि अब बाद में आके ही मुझे देख के ले जाना पड़ेगा। आज एक्चुअली क्या होता है, आज मंडे रहता है तो मंडे दिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दुकानें बंद रहती हैं यहाँ पे, तो यही सारा यही प्रॉब्लम था, इस कारण मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ा, बट कोई नहीं मिल गया है मुझे। अब लेते हैं, अब निकलते हैं भाई यहाँ से। तो भाई हम लोग चले गए थे वापस, बहुत आगे चले गए थे और हम लोग लस्सी पीने के लिए वापस आ गए भाई। तो यहाँ पर अभी हमारी बन रही है लस्सी और इतना गर्मी है ना तो हम लोग यार लस्सी पीते हैं, भैया बोले कि ऐसे बोला चलो लस्सी पी के जाते हैं आराम से, थोड़ा ठंडक रहेगी पेट में। तो अभी भाई साहब बना रहे हैं उसके बाद पीते हैं भाई, मज़ा लेते हैं लस्सी का। तो भाई ये आ गई हमारी लस्सी, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है लस्सी हमारी भाई। तो चलो भाई लस्सी पीते हैं। तो भाई जाते जाते घर जाते जाते बीच में एक देवस्थान पड़ता है नदी किनारे और ये है आगे एक पुल। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुक गए थोड़ा सा बैठने के लिए, हम आते जाते हैं लेकिन कभी भी मैं देवस्थान पे कभी भी रुका नहीं हूँ, हालांकि ये रविदास जी का मूर्ति है, आगे थोड़ा सा मंदिर है, इधर भी नीचे मंदिर है और ये बुद्ध जी का मूर्ति है इधर, बुद्ध भगवान का। और इधर है नदी जो हमारी गोमती नदी पड़ती है, हैंडपम्प इधर लगा है भाई पानी पीने के लिए, इधर देखो।
और इधर देखो पुल है, हालांकि पेड़ पौधे के वजह से दिख नहीं रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आराम करेंगे मैं भैया। और भाई गर्मी बहुत है, धूप भी बहुत है यूपी में, आपसे क्या ही बताऊँ मैं धूप के बारे में। महाराष्ट्र में एक चीज़ मैं कहूँगा भाई, महाराष्ट्र का मौसम सलूट है आपको, इतना खूबसूरत मौसम महाराष्ट्र का। देखिए ये है पुल और इसके नीचे है जस्ट नदी, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खड़े थे, अंदर हम लोग बैठे थे, अब इधर से हम लोग निकल जाएंगे, हमारा गांव आगे है बिल्कुल। यहाँ से देखो व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं, और पुल का नज़ारा देखिए, यहाँ से शाम का व्यू काफ़ी खूबसूरत आता है भाई। तो चलो भाई अब हम गर्मी से भीग रहा हूँ, तो आपको ये देख लिए कैसा है, मज़ा आ जाएगा आपको देखने से। अब धीरे 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 मज़ा आपको लाता ही जाऊँगा मैं। तो चलो भैया आप चलते हैं, हम हमका हो रहा होगा गर्मी। तो भाई साहब देखो हमारे मित्र बोल रहा हूँ हमारे बाबूजी यहाँ पे हैं, बाबूजी इधर आ जाइए, आ जाइए आ जाइए, हाँ बाबू यहाँ पे है हमारा मोनू बाबू, आ गया भाई, मोनू बाबू के गांव आए हैं आज हम। देखो कैसे हो, बिल्कुल मस्त। चलो भाई लोग अभी मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, काफ़ी देर यहाँ पे बैठा मैं, रोशन के गाँव में भाई आया था, और आप सबसे आशा करता हूँ आप सबको मज़ा आया होगा, एंजॉय किए होंगे इस वीडियो से। तो चलो अब मिलेंगे हम एक खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें, और देखते रहें अंकित कर ब्रो, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।